वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस जहाँ पर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स देखेंगे इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है उसके इम्पॉर्टेंस क्या है और कौन कौन से कंपोनेंट्स असेंशियल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए ये सारी चीज़ें पढ़ी थी सो so, अभी हम स्टार्ट करते हैं ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं फोटोसेंथेसिस प्रोसेस को तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है लाइट इंटेंसिटी कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन टेम्परेचर एंड वाटर कंटेंट ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइट इंटेंसिटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन को सो so, वन वुड इजली थिंक दैट द रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस विल इंक्रीज विद लाइट इंटेंसिटी ठीक है तो सबसे पहले जो थाट हमारे दिमाग में ये आती है फोटो सिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो ये है कि फोटो सिंथेसिस तब सबसे अच्छा हो सकता है जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो ठीक है एट सम एक्सटेंट इट इज ट्रू एक पॉइंट तक ये बात ठीक भी है फोटो सिंथेसिस इंक्रीज विद द लाइट इंटेंसिटी अप टू अ सर्टन लिमिट ओनली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इंक्रीज करती है लाइट इंटेंसिटी के साथ साथ बट एक सर्टेन लिमिट तक एंड देन इट गेट्स स्टेबलाइज एट द पॉइंट एस एंड उसके बाद ये जो फोटोसिंथेसिस की इंटेंसिटी थी या जो स्पीड थी रिएक्शन परफॉर्म करने की वो एक पॉइंट पे आकर स्टेबलाइज हो जाती है मीन्स कॉन्स्टेंट हो जाती है उस पॉइंट को हम डिनोट कर रहे हैं एस से ठीक है यहाँ ये ग्राफ नंबर ए देखिए यहाँ पे ये x ये y एक्सेस है एंड ये x एक्सिस है x एक्सेस डिनोट कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को एंड y एक्सिस डिनोट कर रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को ठीक है so, सो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो रहा है बट एक लिमिट आने के बाद ठीक है ये s लिमिट आने के बाद आप लाइट की इंटेंसिटी हम चाहे वो कितनी भी इंक्रीज कर दें बट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो अब स्टेबल हो गया है ठीक है ये लाइन जो है अब ये स्ट्रेट लाइन हो गई है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन मेंटेन हो गया है 0.02 परसेंट पे बट इफ एट दिस पॉइंट द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड द फोटोसिंथेसिस विल आल्सो इंक्रीज फर्दर अब यहाँ पे क्या कहा गया कि लाइट इंटेंसिटी अब हम इंक्रीज कर रहे हैं बट स्टिल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कांस्टेंट हो गया है वो एक स्ट्रेट लाइन पे ही चल रहा है तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज कर दें तो उससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इंक्रीज हो जाए सो so, ये हमको दिखाया गया इस ग्राफ बी के थ्रू ठीक है इस पॉइंट तक लाइट इंटेंसिटी को हम इंक्रीज कर रहे थे बट स्टिल जो है हमारा रेट ऑफ़ फोटोसिंथेसिस वो जो था कांस्टेंट हो गया था 0.02 परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन पे अब हमने क्या करा अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया 0.05 परसेंट तक सो so, ये इंक्रीज करने की वजह से अब हमारा रेट ऑफ फोटो जो था वो भी एक पॉइंट तक इंक्रीज हुआ फॉर एग्जाम्पल एस डबल डॉट तक हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हुआ विद द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन अप टू जीरो पॉइंट परसेंट ठीक है बट इसके बाद फिर से क्या हुआ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कांस्टेंट कॉन्स्टेंट हो गया ठीक है एंड अगेन गेट्स स्टेबिलाईज एट पॉइंट एस डबल डॉट फॉर द टू फैक्टर्स टूगेदर ठीक है अब क्या हुआ यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है ठीक है ऐसा नहीं कि लाइट की इंटेंसिटी को अब हमने जो है उसी लिमिट पे छोड़ दिया नहीं हम लाइट की इंटेंसिटी भी इंक्रीज कर रहे हैं उसके साथ साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज कर रहे हैं बट दोनों ही फैक्टर के साथ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक लिमिट तक ही इंक्रीज हुआ उसके बाद वो स्टिल अपने स्टेबल फैक्टर पे चलने लगा ठीक है थर्ड फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए टेम्परेचर विद द राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस राइज जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होता जाएगा ठीक है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता जा रहा है दिस राइज टू द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 35 फाइव डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा विथ एन ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 35 फाइव डिग्री सेल्सियस तक ठीक है जैसे ही जब तक टेम्परेचर 35 फाइव डिग्री सेल्सियस तक है तब तक हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो भी बढ़ता रहेगा आफ्टर विच द रेट फॉल्स एंड स्टॉप अब फोर्टी डिग्री सेल्सियस बट जैसे ही टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ये स्टॉप हो जाएगा ठीक है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हुआ ये स्टॉप हो गया 40 डिग्री सेल्सियस पे एट दिस अपर मोस्ट लिमिट द एंजाइम आर डिस्ट्रॉयड क्यों क्योंकि इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं राइज अप टू 10 डिग्री सेल्सियस अप टू द ऑप्टिमम टेम्परेचर विच वॉज थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस डबल्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ठीक है फॉर एग्जाम्पल आई राइज फ्राम ट्वेंटी डिग्री टू थर्टी डिग्री और ट्वेंटी टू डिग्री टू थर्टी टू डिग्री ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव डिग्री डबल्स द रेट ऑफ फोटोसेंथेसिस अगर हम अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जो कि थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस है उससे पहले पहले अगर हम टेम्परेचर को टेन डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्परेचर 20 डिग्री है तो वहां पे हमने 10 डिग्री टेम्परेचर और राइज कर दिया तो अब हमारा टेम्परेचर बन गया थर्टी डिग्री तो इस टाइम पे रेट ऑफ़ फोटो जो होगा वो भी डबल हो जाएगा अगर हमारा टेम्परेचर 22 टू डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे हमने 10 डिग्री और टेम्परेचर राइज करा तो अब जो टेम्परेचर है वो हो गया थर्टी डिग्री तो इस टाइम पे फिर रेट ऑफ़ फोटोसिंथेसिस डबल हो जाएगा एंड 25 से 35 करा तो इस टाइम पे भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डबल हो जाएगा बट 35 के बाद अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर और राइज कर देते हैं जो कि अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस होगा तो यहां पे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डबल होगी नहीं यहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा स्टॉप हो जाएगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल स्टॉप ठीक है स्टॉप हो गया नेक्स्ट इज वाटर कंटेंट द स्कासिटी ऑफ वाटर ड्यू टू रिड्यूस्ड एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल और ड्यू टू एन एक्सेसिव लॉस ट्रांसपेरेशन रिड्यूज द रेट ऑफ फोटोसिंथिस बाई डिक्रीजिंग डिफ्यूजिव कैपेसिटी सी ओ टू इनटेक ड्यू टू द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा ओनली वन परसेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट इज यूटिलाईज इन फोटोसिंथेसिस यहां क्या कहा जा रहा है कि कुछ एरियाज में ऐसे कंडीशन क्रिएट हो जाती जहाँ पे सॉयल जो है वो वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर सकती या ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ट्रांसपरेशन की वजह से वाटर लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है उन जगहों पे जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो डिक्रीज हो जाता है क्यों क्योंकि ज़्यादा ट्रांसपरेशन की वजह से स्टोमाटा जो है वो क्लोज हो जाता है एंड स्टमाटा के क्लोजर की, की वजह से जो सी ओ टू का इनटेक है वो रिड्यूस हो जाएगा एंड अगर सी ओ टू का इंटेक रिड्यूस होगा तो फोटो प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए डिफिकल्टीज़ क्रिएट होंगी एंड सिर्फ और सिर्फ वन परसेंट ही वाटर जो है सॉइल एब्जॉर्ब करती है जो कि यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस के लिए ठीक है रूट्स जितना वाटर एब्जॉर्ब करती है उनमें से सिर्फ और सिर्फ प्लांट वन परसेंट ही वाटर यूज़ कर पाता है फ़ोटो के लिए ठीक है तो यहाँ पर जो हमने चार फैक्टर्स देखे थे फोटो को जो अफेक्ट कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि लाइट इंटेंसिटी तो वहां पे हमने ये देखा कि लाइट इंटेंसिटी हेल्प करती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करने के लिए एक सर्टेन लिमिट तक ठीक है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है एक सर्टेन लिमिट तक इंक्रीज हो पाता है ठीक बट उसके बाद ये बिल्कुल स्टेबल हो जाता है ठीक इसके बाद हमने देखा अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें तो क्या होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा बट ये भी 0.05 परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन इंक्रीज के बाद क्या हो जाएगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टेबल हो जाएगा थर्ड पॉइंट हमने ये देखा कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ठीक है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस तक जहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है बट 35 के बाद क्या होगा 35 के बाद फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगी एंड फोर्थ हमने क्या देखा वाटर इंटेक वाटर इंटेक में या वाटर कंटेंट में हमने ये देखा कि रूट जितना वाटर एब्जॉर्ब करती है उसमें से सिर्फ और सिर्फ वन परसेंट जो वाटर है वो प्लांट यूज कर पाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ठीक है तो ये हमारे चारों फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं अब हम पढ़ेंगे इंटरनल फैक्टर्स सो इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहले है क्लोरोफिल न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज ऑफ मिनरल्स कॉज लॉस ऑफ क्लोरोफिल एंड हेंस द ड्रॉप इन ट्रैपिंग सोलो एनर्जी क्या कह रहा है कि अगर प्लांट में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होगी मिनरल्स की डिफिशियंसी होगी या विटामिन की डिफिशियंसी होगी तो उसकी वजह से क्लोरोफिल जो है ये लॉस होने लगेंगे एंड अगर क्लोरोफिल लॉस होंगे तो सोलर एनर्जी ट्रैप करने की जो कैपेसिटी होगी वो भी कम हो जाएगी कम सोलर एनर्जी ट्रैप होगी एंड कम सोलर एनर्जी ट्रैप होगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी रिड्यूस हो जाएगी नेक्स्ट इज प्रोटोप्लाज्म, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म फॉर सम रीजन रिड्यूस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या कह रहे हैं कि अगर प्रोटोप्लाज्म में डिहाइड्रेशन हो जाए पानी की कमी हो जाए किसी भी सर्टेन रीजन की वजह से तो वो क्या करेगा वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस कर देगा सिमिलरली दूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज शुगर एंड स्टार्च ऑल्सो रिड्यूस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर सेल में ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाए कार्बोहाइड्रेट्स का तो वो भी रिड्यूस करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा एंड द साइज ऑफ द लीफ इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ सी ओ टू एंट्रिंग द लीफ अब प्लांट की लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करने के लिए अगर लीफ की क्यूटिकल्स थिक हैं या उसमें स्टोमाटा का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हुआ है या साइज ऑफ़ लीफ ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए एंड ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए इंटू द लीफ एंड जितना अमाउंट ऑफ लाइट या कार्बन डाइऑक्साइड सेल में या लीफ की सेल में एंटर करेगा उतना ही जो है फोटो सिंथेसिस भी इंक्रीज होगा उतना ही फोटो सिंथेसिस जो है वो ज्यादा होगा ठीक है सो तो ये थे हमारे तीन इंटरनल फैक्टर्स जो कि हेल्प करेंगे प्रमोट करेंगे फोटोसिंथेसिस को अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस या किस तरीके से हमें पता चलेगा कि लीफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है सो so, सबसे पहला है डी स्टार्चिंग डी स्टार्चिंग का मतलब होता है स्टार्च को रिमूव करना रिमूवल ऑफ स्टार्च अ प्लांट यूज फॉर एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस शुड इनिशियली बी प्लेस्ड इन द डार्क फॉर ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट आवर्स टू डी स्टार्च लीव्स अगर हमें किसी लीफ में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है फोटोसिंथेसिस के पर्पस के लिए तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस लीफ को ट्वेंटी फोर से लेके फोर्टी एट आवर्स तक एक डार्क प्लेस में रखना होगा ताकि उस लीफ में जितना भी स्टार्च स्टोर है वो सारा का सारा रिमूव हो जाए ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल द स्टार्च विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द लीफ एंड स्टोर्ड इन द स्टोरेज ऑर्गेन एंड जब हम ये पर, प्रोसेस परफॉर्म करते हैं डी स्टार्चिंग की इस टाइम पे लीफ में जितना भी स्टार्च होता है वो सारा का सारा प्लांट के स्टोरेज ऑर्गेन्स में जाकर स्टोर हो जाता है द लीफ विल नॉट शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एंड जो हमारी लीफ है या एक्सपेरिमेंटल लीफ है उसमें हमें स्टार्च की प्रेजेंस नहीं दिखेगी अब हम जो है एक टेस्ट करेंगे ये चेक करने के लिए कि लीफ में स्टार्च है या नहीं है एंड इस टेस्ट को हम आयोडीन टेस्ट कहते हैं ठीक है इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो हमारा ये होगा कि हम अपनी लीफ को डिप करेंगे बॉइलिंग वाटर में ठीक है सबसे पहले हमने क्या करा हमने लीव को डिप करा एक बॉइलिंग वाटर में फॉर अ मिनट ठीक है फॉर एग्जाम्पल फॉर अ मिनट क्यों ताकि उस लीफ में जो सेल्स हैं वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाए ओके सेकेंड हमने क्या करा अब हम जो हमारी लीफ बॉयल हो रही है ठीक है जो हमारी लीफ बॉयल हो रही है वाटर में इस वाटर के अंदर उस लीफ में हम ऐड करेंगे एक केमिकल जिसका नाम है मिथाइलेटेड स्प्रिट ठीक है लीफ को इस मिथाइलेटेड स्प्रिट में डाल के हम इस बॉइलिंग वाटर जार के अंदर रख देंगे इससे क्या होगा जो लीफ है उसमें जितना भी क्लोरोफिल था वो रिमूव हो जाएगा लीफ का क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा एंड लीव दिखाई देगी पेल वाइट कलर की ठीक है क्यों क्योंकि लीव ग्रीन कलर की होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल अगर हमने वो क्लोरोफिल ही रिमूव कर दिया तो अब लीव के पास उसका ग्रीन कलर नहीं बचेगा अब लीफ हो जाएगी वाइट कलर की ठीक है नेक्स्ट हम क्या करेंगे हम इस लीफ को ठीक है ये जो लीफ थी जो अब वाइट कलर की हो गई है अब जो इसका स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा हार्ड हो गया है एंड काफी ब्रिटल हो गया है ठीक है अब इसके लिए हम क्या करेंगे हम लीफ को फिर से डिप करेंगे हॉट वाटर में ताकि लीव जो है वो सॉफ्ट हो जाए ओके नेक्स्ट हम स्प्रेड करेंगे लीफ को एक डिश में एंड उसके ऊपर हम ऐड करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन ठीक है हम क्या करेंगे हम पोर करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन को आयोडीन सॉल्यूशन को लीफ के ऊपर ठीक है इसकी वजह से क्या होगा जो स्टार्च प्रेजेंट होगा ठीक है तो हमको जो है ब्लू एंड ब्लैक कलर दिखाई देगा ठीक इफ स्टार्च प्रेजेंट अगर स्टार्च प्रेजेंट है लीफ के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद उतना पोर्शन जो है वो ब्लू एंड ब्लैक कलर का हो जाएगा ठीक है और अगर लीफ में स्टार्च नहीं है तो वो शो करेगा ब्राउन कंसेंट्रेशन ठीक है या ब्राउन कलर शो करेगा ठीक इफ दे विल बी नो स्टार्च ऑन लीफ तो हमें लीफ दिखाई देगी ब्राउन कलर की ठीक है सो इस तरीके से आयोडीन टेस्ट करके हम ये चेक कर सकते हैं कि लीफ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है या नहीं हो रही है एंड उस लीफ में क्लोरोफिल है या नहीं है या अदर एक्सपेरिमेंट्स को हम चेक कर सकते हैं आयोडीन टेस्ट करके सो so, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है इस एक्सपेरिमेंट में हम ये दिखाएंगे कि क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए ठीक है हमें ये बताना है कि क्लोरोफिल काफी ज्यादा इसेंशियल या नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करा हमने जो है एक लीफ लिया उस लीफ को हमने सबसे पहले जो है डिस्टार्ज करा ठीक है सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि हम लीफ को डिस्टार्ज कर देंगे एंड डिस्टार्ज हमने पढ़ा था हम करेंगे उसको लीफ को 24 से लेके 48 एट आवर्स तक एक डार्क रूम में रखते ठीक है एक डार्क रूम में रख के हमने उस लीफ को डिस्टार्ज कर दिया ठीक सेकेंड हमने क्या करा हमने उस प्लांट को सन के प्रेजेंस में रखा ठीक है उस प्लांट को फिर हमने सन के प्रेजेंस में रखा आफ्टर अ फ्यू आवर्स कुछ टाइम बाद आफ्टर फ्यू आवर्स उस प्लांट में से हम एक लीफ को प्लक करेंगे प्लक करके हम एक आउटलाइंस क्रिएट करेंगे पेपर पे जो कि उस लीफ के ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट को आउटलाइन करेगी ठीक है हम क्या करेंगे हम उस लीफ के ग्रीन एंड वाइट पार्ट्स को आउटलाइन करेंगे एक पेपर पर आफ्टर दैट हम ये टेस्ट करेंगे कि उस लीफ में स्टार्च है या नहीं है ठीक है so, सो सिर्फ और सिर्फ उस लीफ का जो ग्रीन पार्ट है वो टर्न हो जाएगा ब्लूइश जो कि शो करेगा कि लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम आयोडीन सॉल्यूशन डाल देंगे लीफ पे आयोडीन सॉल्यूशन डाल देंगे हम लीफ पे सो लीफ का ग्रीन पार्ट जो है वो ब्लूइश कलर का हो जाएगा जो इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ठीक है यह पार्ट शो करेगा प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल अब इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे हमने क्या करा ये हमारी लीफ जो है ओरिजिनल थी ठीक है इस लीफ में हमने जो है इस प्लांट को रख दिया था सबसे पहले डी स्टार्च के लिए उसके बाद उस प्लांट को हमने जो सन की प्रेजेंस में रखा उस प्लांट में से फिर हमने एक लीफ को प्लग करा प्लग करके उसकी जो है हमने आउटलाइंस क्रिएट कर दी अब उस लीफ का कुछ पार्ट जो है वो ग्रीन कलर का था एंड कुछ पार्ट जो है वो व्हाइट कलर का था अब हमने इस लीव के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद वो पार्ट लीफ का जो कि ग्रीन कलर का था अब वो कन्वर्ट हो गया ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो गया ब्लूइश कलर में जो ये इंडिकेट करेगा कि उस लीफ में स्टार्च है एंड स्टार्च है तो इट मींस वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा मतलब वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा वहाँ पे प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम ये करेंगे बताने के लिए कि सनलाइट कितनी नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए तो इसके लिए भी हमने सबसे पहले क्या करा एक प्लांट को लिया उस प्लांट को उसकी लीफ के साथ हमने उसको जो है डिस्चार्ज कर दिया डिस्चार्ज करने के बाद हमने अब इन लीव्स को कवर कर देंगे हम एक ब्लैक पेपर से ठीक है हमने सबसे पहले डिस्चार्ज करा डिस्चार्ज के बाद सेकेंड हमारा पॉइंट होगा क्या करना कि हम जो है लीव्स को कवर कर दे एक ब्लैक पेपर से ठीक है अब ऐसे भी हमने कवर करेंगे पूरी लीफ को हमने कवर कर दिया हमने एक डिजाइनिंग कट करा कि लीफ का कुछ पोर्शन सिर्फ कवर हो पाए और बाकी कुछ पोर्शन जो है वो स्टिल ओपन रहे ठीक है ठीके? अब इसके बाद हमने उस प्लांट को सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया सनलाइट के प्रेजेंस में रखने के बाद आफ्टर फ्यू आवर्स ठीक है आफ्टर फ्यू आवर्स अब हम अपनी ऑब्जर्वेशन चेक करेंगे सो so, अब हम टेस्ट करा तो लीफ जो कि कवर थी ब्लैक पेपर से वो शो कर रहा है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ठीक है ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ वो पोर्शन लीफ का जो कि कवर्ड था ठीक है कवर्ड पोर्शन जो था जिसपे सनलाइट नहीं पड़ रही थी ठीक है वो हो गया ब्राउन कलर का एंड वो पोर्शन जहाँ पे सनलाइट आ रही थी ठीक है हमने क्या करा था हमने कुछ कटिंग बनाई थी उस कटिंग की वजह से वो कुछ एरिया जो था लीव का वो बिल्कुल एक्सपोज था एंड कुछ एरिया ऐसा था जो कि उस ब्लैक पेपर से कवर भी नहीं हुआ था तो वो पोर्शन जो कि ओपन था ठीक है ओपन पोर्शन जो था वो हमें दिखाई दिया आयोडीन टेस्ट करने के बाद ब्लू ब्लैक कलर का तो ये ब्लू ब्लैक कलर क्या शो करेगा ये शो करेगा प्रेजेंस ऑफ स्टार्च स्टार्च प्रेजेंट था इट मीनस उन नॉन कवर्ड एरियाज पे सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रही थी इसी वजह से वहां पे किसका प्रोडक्शन हुआ स्टार्च का प्रोडक्शन हुआ सो इस एक्सपेरिमेंट से भी हमें क्या पता चला कि सनलाइट कितनी ज्यादा इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रोसेस कंडक्ट करने के लिए अब थर्ड एक्सपेरिमेंट है थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम ये शो करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए सो so, इसके लिए क्या करा गया है इसके लिए भी सबसे पहला स्टेप जो कि हम पिछले दो एक्सपेरिमेंट से करके आ रहे हैं डी स्टार्च लीफ यहां पे भी हम सेम करेंगे ठीक है सबसे पहला जो है हम डिस करेंगे लीफ को ठीक उसके बाद एक लीफ का एक पोर्शन हम लेंगे और उस हाफ पोर्शन को हम एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर रख देंगे ठीक है क्या करा गया आ, ऐसे लिखते हैं कि टेक वन लीव एंड पुट हाफ पोर्शन उस लीव के हाफ पोर्शन को हम रख देंगे एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर रख दिए एंड उस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने एक केमिकल रखा है जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ठीक है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्यों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर रखा क्योंकि हमें यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस देखनी है फोटोसिंथेसिस के लिए तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हमने लीफ का हाफ पोर्शन रखा क्योंकि पोटेशियम कार्बो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को ठीक है सो इसने क्या करा इसने एब्जॉर्ब कर लिया कार्बन डाइऑक्साइड को तो मतलब ये वो लीफ थी जिसका इतना हाफ पोर्शन जो है एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर कवर्ड है ठीक है कॉनिकल फ्लास्क के अंदर कवर्ड है सो इस पार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही होगी ये जो पार्ट है इस पार्ट को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही होगी ठीक है सो ये करने के बाद हमने थर्ड काम क्या करा कि हमने उस प्लांट को फिर से सनलाइट के अंदर रख दिया ठीक है इस प्लांट को हमने फिर से सनलाइट के अंदर रख दिया अब कुछ टाइम के बाद जब हमने टेस्ट करा तो उसमें हमने क्या देखा ऑब्जर्वेशन हमारी क्या थी कि प्लांट का या उस लीफ का वो वाला पोर्शन जो कि पोटैशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में था ठीक है वो हो गया ब्राउन कलर का एंड अदर पोर्शन जो था वो हुआ ब्लू ब्लैक कलर का जो शो कर रहा है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ठीक है यहाँ पे स्टार्च की प्रेजेंस नहीं शो हुई मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड इसेंशियल है फॉर द कंडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस नेक्स्ट अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ठीक है हम इस केमिकल रिएक्शन में तो हम ये पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के कि बाय प्रोडक्ट स्टार्च के साथ साथ ऑक्सीजन भी निकलता है अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कि सच में ऑक्सीजन निकलता है या नहीं निकलता इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करा हमने एक वाटर प्लांट सेलेक्ट करा ठीक है एक ऐसा प्लांट सेलेक्ट करा जो वाटर के अंदर ही सर्वाइव करता है फॉर एग्जाम्पल हाइड्रिला हमने लिया ठीक है हाइड्रिला एक एकटिक एक प्लांट है इस प्लांट को हमने एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर रख के एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर रख दिया ऐसे लिखते हैं इसे कैप्ट इन कॉनिकल फ्लास्क ठीक है कॉनिकल फ्लास्क में रखा हमने इसको इन्वर्ट करके मतलब नीचे की तरफ करके ये हमारा फ्लास्क हो गया इसको हमने अपसाइड डाउन करके इस वाटर बॉटल या इस वाटर कंटेनर के अंदर रख दिए इस वाटर बीकर के अंदर रख दिया ठीक है आप कुछ भी कह सकते हैं इसको एंड इसे हमने कनेक्ट कर दिया एक टेस्ट ट्यूब से ठीक है अब क्या हुआ सनलाइट में रखा हमने इसे कुछ टाइम सनलाइट जब इस पे पड़ रही थी उसके कुछ टाइम बाद हमने ये ऑब्जर्व करा कि यहाँ पे जो है हमें छोटे छोटे एयर बबल्स दिखाई देने लगे इस टेस्ट ट्यूब में ठीक है एयर बबल्स अपियर हुए आफ्टर टाइम एयर बबल्स एपियर ठीक है अब हमने क्या करा इन एयर बबल्स को कलेक्ट करा कलेक्ट करके इसको हमने जैसे ही स्पार्कल दिया वैसे ही ये बर्न होने लगी ठीक है और हमें पता बर्निंग होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सो ये बर्निंग इंडिकेट कर रही थी कि इस प्लांट में से जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो है ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है ठीक है सो ये सारे एक्सपेरिमेंट हमें ये बताते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और सनलाइट और क्लोरोफिल ये सभी जो है इसेंशियल है फॉर द कंडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फोटो सिंथेसिस सो फोटो सिंथेसिस सपोर्ट ऑल लाइफ ऑन अर्थ इफ देर वेयर नो ग्रीन प्लांट ऑल लाइफ ऑन द अर्थ वुड कम टू एन एंड ठीक है सही बात है फोटो सिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो कि डिपेंड जो कि बहुत ज्यादा इसेंशियल है जितनी भी लाइफ फॉर्म्स इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही है उन सभी के लिए ठीक है अब ये जो फोटो सिंथेसिस है इससे हमें जो है अल्टीमेटली ग्लूकोज मिल रहा है ठीक है इसका इनटेक करते हैं हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स या लीफ के फॉर्म में ठीक है अब इस ग्लूकोज पे कुछ एनिमल्स हैं जो कि डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं ठीक है थीके? कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि इस ग्लूकोज पे डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि इन डायरेक्टली डिपेंडेंट एनिमल्स पे डिपेंड है अपने फूड इनटेक के लिए ठीक है अदर एनिमल्स जिनका फूड क्या है ये एनिमल्स हैं सो so, ये जो एनिमल्स हैं ये भी क्या हो गए ये भी इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो गए ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटो क्यों क्योंकि अगर ये एनिमल जो कि अपना फूड प्लांट्स से ले रहा है अगर यही जिंदा नहीं बचेगा तो क्या ये एनिमल जिंदा बचेंगे जो कि इन प्लांट एनिमल्स को खा के अपना जिंदा रह रहे थे अपना सर्वाइवल कर रहे थे नहीं क्यों क्योंकि सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है तो ये एक तरीके से पूरी की पूरी चेन बनी हुई है जो कि सब सबके सब किस पे डिपेंड है प्लांट्स पे डिपेंड है ताकि प्लांट फोटो सिंथेसिस करे और उनको अपना डेली न्यूट्रिशन मिल सके सो so, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फोटो की कि ये प्रोवाइड करती है हमें फूड

हर भी वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं वो डायरेक्टली डिपेंड है प्लांट पार्ट्स पे अपने सर्वाइवल के लिए और कार्निवोस जो कि फ्लैश मीन्स मीट खाते हैं वो डिपेंड होते हैं उन एनिमल्स पे जो कि हर भी होते हैं ठीक है दिस चेन ऑफ फूड डिपेंड ऑन डिपेंडेंस इज कॉल्ड फूड चेन ये जो फूड डिपेंडेंस है कि हम एक पे डिपेंड है वो दूसरे पे डिपेंड है वो जो दूसरा है वो उस प्लांट पे डिपेंड है जो पूरी एक चेन चली आ रही है ये अल्टीमेटली इस चेन को हम फूड चेन कहते हैं द फूड चेन में हैव अ नंबर ऑफ इंटरवेनिंग स्टेजेस बट द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज द प्लांट विच प्रोड्यूस इट्स ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस तो ये जो पूरी फूड चेन में जितने भी टाइप ऑफ एनिमल्स आ रहे हैं वो सभी एक दूसरे पे करते करते अल्टीमेटली डिपेंड हैं उस प्लांट पे उस प्रोड्यूसर पे जो कि फोटोसिंथेसिस करके अपना खुद का फूड बना रहा है ठीक है सो यहाँ देखिए इस डायग्राम में कितने इजिएस्ट वे में ये एक्सप्लेन करा गया है कि किस तरीके से एक फूड चेन बन गई है जहाँ पे हर एक दूसरा एनिमल या ह्यूमन बींग अल्टीमेटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड है इन प्लांट्स पे सो so, ये प्लांट्स हैं जहां पे प्लांट है फ्लावर है नट्स हैं नीड सीड्स हैं फ्रूट्स हैं एंड डिफरेंट एनिमल्स हैं ठीक है सो so, इन सभी का इंटेक करने वाला कोई एक एनिमल चाहे इट इज पीका ये बर्ड हो फ्रॉग हो कोई और एनिमल हो बटरफ्लाई हो स्क्रल हो म्यूलियरियर हो ये सभी वो एनिमल्स हैं जो कि डायरेक्टली डिपेंड हैं प्लांट पे अब इनके बाद इन एनिमल्स पे भी इनटेक करने वाले कोई बड़े एनिमल्स हैं एंड उन एनिमल्स पे भी डिपेंड करने वाले या इनटेक करने वाले और बड़े एनिमल्स हैं जिन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं एंड ये कार्निवोर्स इनडायरेक्टली डिपेंड हैं प्लांट्स पे या प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पे फॉर देयर सर्वाइवल नेक्स्ट इज प्रोवाइड ऑक्सीजन अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा द लाइफ सपोर्टिंग गैस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर इन अ फ्री स्टेट ओनली बिकॉज ऑफ फोटो सिंथेसिस जितनी भी लाइफ सपोर्टिंग गैस फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन ये प्रेजेंट है हमारे एटमोसफेयर पे एक फ्री स्टेट में सिर्फ और सिर्फ फोटो सिंथेसिस प्रोसेस की वजह से

बाद में ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस हुए उन ग्रीन प्लांट्स ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करा और ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करा जो कि एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए सुटेबल था ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन ऑलमोस्ट जितने भी एनिमल्स हैं सम एक्सेप्शन को छोड़ के वो सभी डिपेंड हैं ऑक्सीजन पे अपनी रेस्पिरेशन के लिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कार्बन साइकिल ठीक है सो द कार्बन साइकिल इज अज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कार्बन एज अ केमिकल एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम द एयर यूज बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दर बॉडी प्रोसेस एंडली रिटर्न टू द एयर कार्बन साइकिल में हमें सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे जहाँ पे कार्बन एक केमिकल एलिमेंट है जो कि रिमूव होगा एयर में से एंड उसको यूज करा जाएगा बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दियर बॉडी प्रोसेस एंड वो कार्बन फिर फाइनली रिटर्न हो जाएगा एयर में सो एसेंशियल स्टेप्स इन द कार्बन साइकिल आर फॉलोस। सो कार्बन साइकिल में जो भी एसेंशियल स्टेप्स हैं हम उन्हें देखेंगे सबसे पहला है फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स विच आर प्रोड्यूसर्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द एयर टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं ताकि जो एयर में प्रेजेंट है ताकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकें एंड प्रोड्यूस कर सकें कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च फूड चेन थ्रू फूड चेन द फूड कंटेनिंग कार्बन इन द कार्बोहाइड्रेट एंड अदर प्रोडक्ट पासिस ऑन फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स विच आर कंज्यूमर्स कार्बन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑल बॉडी टिश्यू ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स नाउ अब फूड चेन में कार्बन कैसे इन्वॉल्व हो रहा है कि जब भी हम फूड इनटेक करते हैं सो so उस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट में कार्बन कंपाउंड कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट होता है ठीक है जिसको हम इनटेक कर रहे हैं फ्रॉम द प्लांट टू द एनिमल्स जा रहे हैं एनिमल्स कौन है हम हैं हम क्या है कंज्यूमर्स हैं ठीक है सो कार्बन का एक अपना इसेंशियल रोल होता है सभी एनिमल्स या प्लांट्स की बॉडी टिश्यूज में एक सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए नेक्स्ट इज respiration ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स respire by ऑक्सीडाइजिंग कार्बोहाइड्रेट इन their सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन टू द एटमोसफेयर जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स हैं वो सभी जो है रेस्पायर करते हैं ऑक्सीडाइजिंग कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी सेल में ताकि जब कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन हो तो उससे हमें जो है एनर्जी मिले ठीक है अब एनर्जी हमें मिल गई इसके बाद हम इस कार्बन को इन्वायरमेंट में वापस करते हैं बाय एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है हम क्या करते हैं ऑक्सीजन इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं सो so, जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में जा रहा है अल्टीमेटली कैप्चर होता है बाय द प्लांट्स फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस फोर्थ पॉइंट इज डी

एटमोसफेयर में ठीक है सो अल्टीमेटली हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो इतनी भी सारी प्रोसेस हैं वो सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ठीक है जहां पे कार्बन को हम किसी भी फॉर्म में अपनी बॉडी में लेते हैं उसके यूटिलाइजेशन करते हैं एंड हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एटमोसफेयर में एंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर में रिलीज हो रहा है इसको कैप्चर करता है प्लांट कैप्चर करता है इसे प्लांट फॉर कंडक्टिंग फोटो सिंथेसिस ठीक है सो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यही कंप्लीट होता है आई होप आपको ये चैप्टर फोटो सिंथेसिस अच्छे से समझ में आया हो अगर यह लेक्चर आपको अच्छा लगा सो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू